आगरा कॉलेज के चित्रकला विभाग में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में चित्र प्रकृति मानवीय भावों के शब्दों का प्रस्तुत करती नजर आई। इसके साथ ही क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी में 3 चित्रकारों को प्रशिक्षित भी किया गया। कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा, क्या मेन मोटिव है? देखिए, ये आसान जो कार्यक्रम है वो दिनांक 2 और 3 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है और जो इसका विषय है वो है पर्यावरण एवं जैव विविधता 21वीं सदी में चुनौतियाँ एवं उपाय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न मंचों पर जो राजनीतिक लोग हैं, जो अलग अलग देशों के अध्यक्ष हैं, जो पूरे देश का प्रतिनिधि करते हैं, उनकी आए दिन ऐसे मंचों पर वार्तालाप होती हैं और उनका प्रयास यही रहता है कि हम किसी भी तरह से जो पर्यावरण को लेकर जितनी समस्याएं हैं, पर्यावरण का जो लगातार स्तर गिर रहा है, लोग आब हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, इसके अलावा जो जैव विविधता है वो दिनों दिन नष्ट होती जा रही है, उस पर विचार विमर्श करते हैं और फैसले लेते हैं, जिससे कि सभी देशों को ये संदेश जाए कि हाँ, हमको पर्यावरण बचाना है तभी मानवता जिंदा रह सकती है। सेमिनार में कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? हाँ, देखिए, ये बहुत ही बृहद स्तर का जा रहा है। देश के पूरे दुनिया से वैज्ञानिक शोधार्थी और अपने अकादमिक संपर्क को मिलने वाले लोग हैं, सदस्य वो आ रहे हैं और मंच पर बैठकर अपने शोधों को, उनके परिणामों की परिचर्चा। सेशन में कौन उद्घाटन करेगा? हाँ, देखिए, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो बहुत ही सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा उनको सम्मानित किया चुका है। उनका नाम है प्रोफेसर अनिल कुमार जोशी, अनिल प्रकाश जोशी, और उत्तराखंड के। इसके अलावा जो अभी हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर अशोक मित्तल जी, ये भी इसमें अपनी शिरकत करेंगे। और सबका पहले ये था कि हर जो भी प्रदर्शनी होती थी वो केंद्र में होती थी, लखनऊ होती थी, तो लखनऊ तक हर कलाकार नहीं पहुंच सकता, हर क्योंकि कलाकार इतने संसाधन नहीं है कि अपनी पेंटिंग लेकर के वहाँ पर पहुँचे। इसीलिए प्रदेश को हमने 11 क्षेत्रों में बांटा, 18 कमिश्नरी हैं, उस हिसाब से हमने बांट के हर क्षेत्र निश्चित किए वहाँ पर कलाकारों की प्रदर्शनी लगाना, और यहाँ प्रदर्शनी लगाकर के यहाँ इस क्षेत्र के प्रमुख 3 कलाकारों को सम्मानित करना, इस तरह का पूरे प्रदेश में ये आयोजन चल रहा है और ये अंतिम आयोजन है इस सत्र का। और हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जागरूकता हो और देश के जो परिस्थिति है उस पर कलाकार समझे और अपनी पॉजिटिव पेंटिंग बनाए। वर्तमान में जो कलाकार की भी देश के नवनिर्माण में भूमिका हो और हर कलाकार केवल ये न समझें कि कला केवल एक पेंटिंग साधन है, ये कला के माध्यम से समाज को भी कुछ हम दें, ऐसी भावना लेकर के पूरे प्रदेश में इसका आयोजन किया। कलाकारों में बहुत सारी इच्छाएँ अपेक्षाएँ ऐसे होते हैं, नेगेटिव दिखाने के भी होते हैं, तो आपने कहा कि पॉजिटिव ही देखा। हाँ, हाँ। तो अपनी कला को कैसे प्रदर्शित कर पाएगा वो? नहीं, ऐसा है ना, देखिए, ये तो चीज़ आदमी के अंदर है, हर आदमी के अंदर इंसान भी है और हैवान भी है। अब आवश्यकता ये है कि वो इंसान की जागृति करे, हैवान की नहीं, और इसीलिए हम कला के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अच्छी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव हैं जो समाज को, विद्यार्थियों को, कला को दिशा दें, उनका ही हम प्रदर्शन करें तो अच्छा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।